रोहिंग्या और तुर्की के दरमियान एक पुराना नाता है जिसका खुलासा खिलाफत उस्मानिया के एक दस्तावेज से हुआ है। शुक्रवार को उप प्रधानमंत्री फखरी अशीक ने एक दस्तावेज प्रकाशित किया है जिसमें रोहिंग्या मुस्लिम और तुर्क के बीच एकता की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के साथ हुई शुरू होती है, जब तुर्क सरकार को भौतिक और भावनात्मक समर्थन दिया गया था। उस्मानी दस्तावेज के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमानों ने बलकाना की जंग में शहीद और जख्मियों के लिए 1913 में तुर्की को एक इमदादी फंड भिजवाया था। साथ ही रंगून से एक खत भी भेजा गया था जिसमें वजीर आजमा शहजादा हलमी पाशा को जंग में जीत की बधाई भी दी गई थी। रंगून से इमदादी फंड भेजने वाले अहमद मौला दाऊद ने पत्र में कहा था, मैं इस मौके पर आपको बधाई देता हूं, आपके कैबिनेट के सदस्यों और हमारे भाई बहनों जो नोपेल और अन्य खोए हुए क्षेत्रों पर इस अनूठी और शानदार जीत पर बधाई देता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि रोहिंग्या के लोगों ने अपने मुस्लिम भाइयों की फतह के लिए मस्जिदों में दुआएं की थी और समारोह का जश्न भी मनाया था। ट्विटर पर अपने संदेश में उप प्रधानमंत्री ने कहा, इस खत से रोहिंग्या मुसलमान और तुर्क में गहरी एकता का पता चलता है। हमारा देश शुक्रगुजार है उन रोहिंग्या मुसलमानों का जिन्होंने जंग के वक्त तुर्की की मदद की और ये हम पर एक कर्ज जैसा है। आज हमें मौका मिला है इस कर्ज को चुकाने का और हम अपना फर्ज अदा करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। गौरतलब है कि रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ तुर्की ने ही सबसे पहले आवाज उठाई और आगे बढ़कर उनकी मदद में भाग लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज।